और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप इसको स्किप कर देना क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, जिन्होंने ये नहीं देखा ये उनके लिए है, ठीक है। सो रिसेंटली मैंने अभी परचेज की थी ये जीन्स, ठीक है, अभी की है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये सारी ना न्यू है, बिल्कुल न्यू अराइवल में आई थी और ये बहुत अच्छी होने वाली है। सो सबके ना डिफरेंट, बस कलर इनके सेम है बट इनके पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है और लेंथ इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। सो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये वीडियो बहुत से लोगों ने देखा होगा और जिन्होंने देख लिया उसको ये प्लीज आप इसे इग्नोर करना क्योंकि ये मैं ऑलरेडी उनको दिखा चुकी हूँ। जिन्होंने ये नहीं देखा है वो प्लीज इसको देख लेना क्योंकि इसमें बहुत सारी जीन्स है जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में अपने दिखा चुकी हूँ। तो ये सारी मैंने एक साथ अब जो मैं बनाती हूँ अपना वीडियो मैंने वही बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आइटम परचेस किया है, और ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी वीडियो, सो ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाली जीन्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जो मैंने अभी तक वेयर नहीं की हैं, जैसे कि ये वाली जीन्स है, तो ये वाली जीन्स मैंने वेयर नहीं की है और ये ब्लैक एडिशन में ही है। और इसमें पता है एक जो चीज है वो ये है कि इसमें ना पॉकेट्स आपको मिल जाएगी कार्गो वाली ही, और बट इसमें जो इसका फ्लेयर मिलेगा ना, लाइक इसकी जो लेंथ मिलेगी वो फ्लेयर वाली है, ठीक है। इसका पैटर्न, जो इसका लुक है, जो इसको नाम दिया है वो फ्लेयर दिया हुआ है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल आपको वेस्ट मिल जाएगी, मतलब फैब्रिक ही बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है अगर आप देखोगे तो, और क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बैक से इसमें पॉकेट्स हैं, फ्रंट में इसमें पॉकेट है, सो बिल्कुल डिफरेंट है, और बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी, इसमें थाई में पॉकेट्स मिल जाएंगी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है और फिटिंग तो बहुत अल्टीमेट है। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना और आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है ये। लेंथ वाइज अगर मैं इसकी बात करूँ तो लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा लेंथ में ही आपको मिल जाती है और नीचे से बिल्कुल ऐसे आने वाली है ऐसे फ्लेयर में तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है इसपे। और इसपे आप ना कोई भी लाइट कलर की शेड, व्हाइट मत ट्राई करना, लेकिन लाइट शेड आप पिंक कर सकते हो, लाइट ब्लू कर सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है इस वाली जीन्स पे क्योंकि ब्लैक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट जीन्स का। सो नेक्स्ट जीन्स ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज की थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी और फाइनली ये मुझे मिल गई। तो मैंने इसको भी वेयर नहीं किया है, मैं इसको जरूर एक बार वेयर करूंगी। तो इसमें जो लुक है वो कटआउट वाला है, मैं बोल रही हूँ सारी जीन्स जो है वो सारी ब्लैक में है लेकिन इनके सारे जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें जो लुक है वो कटआउट वाला है जिस मैंने आपको बताया, और फ्रंट में इसमें आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा पूरा लुक, देख सकते हो गैप है दोनों साइड में ही है, और फ्रंट में भी इसमें पॉकेट है, बैक में भी इसमें पॉकेट है, और लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये पूरी आपको स्ट्रेट फिट मिल जाएगी, आप इसका लुक देख के ही पता कर सकते हैं, स्ट्रेट फिट है बिल्कुल और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये वाली जीन्स, इसलिए मैंने परचेस की है, और लुक तो मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका। सो इसको जरूर एक बार ट्राई करना, आपको जरूर अच्छी लगने वाले ये वाली जीन्स भी, बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है इन सब में से, इसका कॉस्ट है 1600, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो आप अगर आपको करनी है तो, क्योंकि अर्बेनिक की जीन्स जो होती है उसकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप H&M या फिर ज़ारा की नहीं परचेस कर पा रहे हो और वही रेट में आपको अगर बाहर से मिल रही है 1011 और इतने में अगर आपको जीन्स मिल रही है, तो इससे बेटर है कि आप अर्बेनिक से एक बार ट्राई करके देखो, आपको जरूर अच्छी लगेगी। सो बात करते हैं नेक्स्ट जीन्स का। सो अब जो जीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, और इसके बाद जो मैं जीन्स दिखाऊंगी, ये तीनों सिमिलर जीन्स हैं, वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी इस वाली जीन्स का, ठीक है। तो ये वाली जीन्स आपको दिखेगी कुछ इस तरह के पैटर्न में। इसमें जो पैटर्न है वो आपको दो बटन मिल जाएंगे, ठीक है, हाई वेस्ट है प्रॉपर, यहाँ पर फ्रंट में पॉकेट्स हैं, ठीक है, कार्गो वाली पॉकेट्स ही इसमें बनाई हुई है सेम, और इसमें थाई में पॉकेट बनाई हुई है और इसमें बैक में पॉकेट बनाई हुई है। ये वाली मुझे ट्राई करनी थी जिसको मैंने फाइनली परचेज किया है अब, और इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें जो सेम डिटो यही पैटर्न अगर आप देखोगे तो इस वाली जीन्स में देखोगे, तो इस वाली जीन्स का अगर मैं दिखाती हूँ आपको तो इसमें जो इसका लुक मिलेगा, देखो सेम है, तीनों जो हैं वो प्रॉपर आपको स्ट्रेट फिट मिलेगी, लेकिन तीनों के डिफरेंट इसमें आपको मिल जाते हैं पैटर्न। सो इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें पॉकेट्स नॉर्मल पॉकेट्स दी हुई हैं, बट इसमें रिप्ड किया हुआ है, लाइक यहाँ से आपको डैमेज लुक मिल जाएगा, थाई साइड से, नी साइड से आपको इसमें डैमेज लुक मिल जाएगा, प्रॉपर बिल्कुल फिट जो इसका आएगा वो बहुत अमेजिंग आएगा, और बैक से इसमें पॉकेट्स दी हुई है। ये वाली जो आप बोल सकते हो बिल्कुल नॉर्मल बोल सकते हो, 1100 समथिंग इसका कुछ कॉस्ट था, इस वाली का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या, एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है,
और अगर मैं थर्ड वाली बताती हूँ तो थर्ड वाली का भी आप देखोगे तो लुक बिल्कुल सेम मिलेगा सेकंड वाली फर्स्ट वाली से। सो इसमें जो मिलेगा आपको, इसमें आपको कार्गो पॉकेट्स मिल जाएगी बैक में, और ये बिल्कुल न्यू अराइवल में है, और थाई में भी आपको पॉकेट्स मिल जाएगी कार्गो वाली, और फ्रंट से बिल्कुल सिंपल में है, बिल्कुल सिंपल में है। देखो लुक कितना ज्यादा अच्छा है, तीनों का कितना डिफरेंट है, और तीनों की लेंथ में आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाले की लेंथ अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, सब जीन्स की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एक बार ट्राई जरूर करना। वैसे कोई भी परचेज कर सकते हो आप, तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी आप इधर परचेज करके देखना। सो ये वाली थर्ड जीन्स थी, एंड फोर्थ जीन्स मैं आपको दिखा रही थी, ये वाली भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको तो मैंने बहुत वेयर किया और इसके बारे में तो बहुत लोगों ने पूछा भी है मुझसे। तो ये वॉश होने के बाद में यार ब्लैक है तो अपना कलर थोड़ा बहुत तो उसमें से निकलेगा ही, बट ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है, बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बार ट्राई जरूर करना। सो ये जो लास्ट जीन्स है इसका तो मैं क्या ही बोलूं, इसका तो लुक ही बहुत डिफरेंट है, बैक से तो इतना अच्छा लगता है ना, ये जो पॉकेट्स ऐसे फूली फूली सी लगती हैं, थोड़ा सा पफी वाली लगती हैं, अच्छा लुक है इसका पूरा। और मैंने इसको वॉश नहीं किया, मैंने इसको एक बार वेयर कर ली है, एक दो बार कर लिया हाँ, बट इसका जो फ्लेयर वो भी काफी अच्छा है और लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं बोलूंगी कि आप एक बार इन तीनों में से या फिर जितने भी जीन्स हैं इनमें से अगर आपके पास है तो आपको पता होगा इनका लुक कैसा आता है, पर मैं बोल रही हूँ इनका लुक इतना अल्टीमेट आता है, इतना सुंदर लगते हैं ना ये, बहुत ज्यादा अच्छा। और ब्लैक तो ऐसा है कि सबके पास कॉमन होता ही है, तो एक ब्लैक कोई भी अगर आप इनमें से परचेस करते हो तो आपको एक अच्छा लुक भी मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी फैब्रिक की। और ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो प्लीज इसको इतना वो मत लेना कि हाँ इतना अच्छा बता रही, क्योंकि ये जीन्स है इतनी अच्छी इस वजह से मैं आपको इतना बता रही हूँ, और सारी बहुत अच्छी है, कोई भी आप परचेस कर सकते हो। नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगी, जिसमें आप लिंक पे अगर आप टैप करोगे तो उधर आपको सारे मेरे ऑलमोस्ट मिल जाएंगे जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं, थोड़े बहुत मैंने डाले हुए हैं, पूरी एक वेबसाइट है हॉल पैक, उसमें अगर आप क्लिक करके परचेस करते हो तो आपको सारे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सो परचेस कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।